क्या आप पैदल चलते हैं? कितना चलते हैं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? बहुत सारे कारण होंगे आपके पास। मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या आपको पता है, हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको कोई बीमारी छू ना सके, आप हमेशा खुश रहें, तो पैदल चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 10 फायदे जो चलने से आपको होते हैं। तो चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, दिल के लिए पैदल चलना बहुत आवश्यक है। अगर आप पैदल चलते हैं, बीपी मेंटेन रहेगा, बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके हार्ट की पंपिंग अच्छी रहेगी, हार्ट की समस्याएं भविष्य में नहीं होंगी, उसे आप टाल सकते हैं सिर्फ पैदल चलने से। फैक्ट नंबर 9, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जैसे आपको बहुत काम है, उससे स्ट्रेस होता है, उस तनाव को कम करने के लिए बेस्ट मेडिसन है पैदल चलना। अगर आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। फैक्ट नंबर 8, आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपको ढेर सारी दवाइयाँ ना खानी पड़े, तो पैदल चलना आपके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। फैक्ट नंबर 7, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो पैदल चलने से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आपका ब्लड शुगर कम करने के लिए भी पैदल चलना बहुत अच्छी दवा है। फैक्ट नंबर 6, ज़्यादातर बीमारियों की जड़ होती है वो है डाइजेशन का बिगड़ जाना, पाचन का खराब हो जाना। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है पैदल चलना। जब आप पैदल चलते हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियाँ हैं, उनकी मूवमेंट अच्छी हो जाती है। वैसे भी कहते हैं, जिसका पेट अच्छा उसका जीवन अच्छा। फैक्ट नंबर 5, वेट ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, पैदल चलना एक दवा की तरह काम करता है, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4, ज्वाइंट पेन अगर है तो आपको पैदल चलना चाहिए। ज्वाइंट पेन ना हो इसके लिए भी पैदल चलना चाहिए, क्योंकि आपके जोड़ों को मजबूत करने का काम जब आप पैदल चलते हैं तो होता है, इसलिए पैदल चलने से ज्वाइंट पेन की समस्या कम होगी। याद रखिए, पैदल चलते वक्त अगर आपको पहले से ही घुटनों की शिकायत है, तो नी कैप पहनिए, चलते वक्त स्ट्रेट रोड पर ही चलिए। फैक्ट नंबर 3, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, आपका जो इम्यूनो सिस्टम है, ये स्ट्रांग होता है, जो आपको काफ़ी बीमारियों से बचाती है। इसलिए रिसर्च बताते हैं, जो लोग रेगुलर वॉकिंग करते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है और उनको बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती। फैक्ट नंबर 2, आजकल हम देखते हैं काफ़ी बीमारियां आपके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, आपके फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप अपने लंग्स को बढ़िया बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो चलने से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं। इसमें अगर आप फास्ट वॉक करते हैं या फिर जॉगिंग रनिंग करते हैं, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और ये आपको हेल्दी बनाएंगे। अगर आपको सांस की समस्या है, तो वो भी दूर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 1, चलने से आपका मूड बड़ा प्रसन्न रहता है। जो लोग रोज चलते हैं, उनके चेहरे में स्माइल भी दिखती है, क्योंकि आपके मूड को हैप्पी करने का काम है वो पैदल चलने से होता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो पैदल चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इन फायदों को समझकर आप चलना शुरू कर देंगे। कल से ही शुरू कीजिए। कोई कारण मत देखिए, नहीं करने के 100 कारण हैं, करने के लिए एक कारण भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर कर दूं कि जब भी चलते हैं तो स्ट्रेट चलिए, झुककर नहीं चलना है, कभी रुकना कभी चलना, इसके बजाय आप कम से कम 30 मिनट नॉनस्टॉप चलिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपने चलना शुरू कर दिया है, तो याद से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस, मैंने चलना शुरू कर दिया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।